बार के चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स ने इयोन मॉर्गन की कप्तानी वाली केकेआर को आईपीएल के 49वें मुकाबले में 6 विकेट से हरा दिया। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में गुरुवार को केकेआर ने ओपनर नीतीश राणा की दमदार पारी की बदौलत 20 ओवर में 5 विकेट पर 172 रन बनाए, जिसके बाद रविंद्र जडेजा ने अंतिम गेंद पर 6 से चेन्नई को जीत दिलाई। चेन्नई के ओपनर ऋतुराज गायकवाड़ ने 72 रनों की बेशकीमती पारी खेली। कोलकाता की 13 मैचों में ये 7वीं हार रही और टीम 12 अंकों के साथ 5वें नंबर पर रही। वहीं चेन्नई को इतने ही मैचों में 5वीं जीत हासिल हुई और टीम 10 अंकों के साथ सबसे नीचे 8वें नंबर पर है। केकेआर के लिए अब प्लेऑफ की राह मुश्किल। केकेआर टीम इस हार के बाद 5वें नंबर पर ही है और प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने को टॉप 4 में होना जरूरी है। उससे ऊपर किंग्स इलेवन पंजाब के भी 12 अंक है। वहीं टॉप पर मौजूद मुंबई इंडियंस को इस जीत से फायदा मिला और वो 16 अंकों के साथ क्वालिफाई कर गई। अब कोलकाता को अपने अगले मैच में जीत तो चाहिए ही, साथ ही उम्मीद करनी होगी कि उसे दूसरी टीमों से अनुकूल परिणाम मिले। गायकवाड़ की दमदार पारी। चेन्नई के लिए ओपनर ऋतुराज गायकवाड़ ने 72 रनों की शानदार पारी खेली। उन्होंने 53 गेंद पर 6 चौके और 2 छक्के जड़े और शेन वॉटसन के साथ पहले विकेट के लिए 50 रन, जबकि अंबाती रायडू के साथ दूसरे विकेट के लिए 68 रन की पार्टनरशिप की। केकेआर के लिए मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती और पेसर पैट कमिंस को 2-2 विकेट मिले। जडेजा ने यूं लिखी जीत की पटकथा। चेन्नई को अंतिम 2 ओवर में जीत के लिए 30 रनों की जरूरत थी और ऐसा लग रहा था कि केकेआर इस मैच में पकड़ मजबूत कर लेगी, लेकिन लॉकी फ्यूक्सन के पारी के 19वें ओवर में कुल 20 रन बने। पहली गेंद वाइड रही, जिसके बाद चौथी बॉल पर रविंद्र जडेजा ने चौका जड़ा। अगली गेंद नो बॉल, जिस पर 2 रन मिले और फ्री हिट पर जडेजा ने 6 जड़ दिया। जडेजा ने अंतिम गेंद पर भी चौका लगाया। अंतिम ओवर में चेन्नई को जीत के लिए 10 रनों की जरूरत थी और जडेजा ने 5वीं बॉल पर 6 लगा दिया। अंतिम गेंद पर सिर्फ 1 रन की जरूरत थी, जिस पर जडेजा ने 6 लगाकर टीम को जीत दिलाई। जडेजा ने 11 गेंदों पर 31 रन की नाबाद पारी में 2 चौके और 3 छक्के लगाए। केकेआर ने चेन्नई को दिया 173 रन का टारगेट। सलामी बल्लेबाज नीतीश राणा के अर्धशतक की बदौलत केकेआर ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 5 विकेट पर 172 रन बनाए। राणा ने 61 गेंद पर अपनी पारी में 10 चौके और 4 छक्कों की मदद से 87 रन बनाए। सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल और दिनेश कार्तिक ने भी उपयोगी पारियां खेली। फिर चक्रवर्ती की गेंद पर बोल्ड हुए धोनी। स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने सीएसके के कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी को शिकार बनाया और उन्हें पारी के 15वें ओवर में 4थी गेंद पर बोल्ड कर दिया। दोनों टीमों के बीच पिछले मैच में भी धोनी को चक्रवर्ती ने ही बोल्ड किया था। रायडू की तेज तर्रार पारी, कमिंस ने बनाया शिकार। अंबाती रायडू ने गायकवाड़ के साथ दूसरे विकेट के लिए 68 रन जोड़े। रायडू ने 20 गेंदों पर 5 चौके और 1 छक्के की मदद से 38 रन बनाए। उन्हें पेसर पैट कमिंस ने शिकार बनाया और सुनील नरीन ने उन्हें लपका। वॉटसन और गायकवाड़ की अर्धशतक की साझेदारी। 173 रन के टारगेट का पीछा करने उतरी सीएसके को शेन वॉटसन और ऋतुराज गायकवाड़ ने शानदार शुरुआत दी। दोनों की अर्धशतक की साझेदारी थी। स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने इस पार्टनरशिप को तोड़ा और वॉटसन को पारी के 8वें ओवर की 3री गेंद पर रिंकू सिंह के हाथों कैच करवा दिया। वॉटसन ने 19 गेंदों पर 1 चौके और 1 छक्के की मदद से 14 रन बनाए। गिल और राणा ने दी उम्दा शुरुआत। सीएसके के कप्तान धोनी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया, जिसके बाद शुभमन गिल और राणा की जोड़ी ने टीम को उम्दा शुरुआत दिलाई। गिल ने चाहर की मैच की पहली 2 गेंदों पर चौके के साथ शुरुआत की, जबकि राणा ने भी इसी ओवर में चौके से खाता खोला। गिल ने सैम कुरैन पर भी चौका जड़ा। राणा ने लुंगी नगीरी का स्वागत चौके के साथ किया और फिर मिशेल सेंटनर की लगातार गेंदों पर 2 चौके और 1 छक्का मारा। टीम ने पावर प्ले में बिना विकेट खोए 48 रन बनाए। 7 रन के अंदर गिरे केकेआर के 2 विकेट। गिल और राणा ने केकेआर के लिए मौजूदा सत्र की पहली विकेट की पहली अर्धशतक की साझेदारी पूरी की। धोनी ने इसके बाद गेंद कर्ण शर्मा को थमाई और इस लेग स्पिनर ने अपनी दूसरी ही गेंद पर गिल को बॉल किया। गिल ने 17 गेंदों का सामना करते हुए चौके मारे। सुनील नरेन ने कर्ण पर छक्के से खाता खोला, लेकिन सेंटनर ने अगले ओवर में इसी शॉट को दोहराने की कोशिश में बाउंड्री पर रविंद्र जडेजा को कैच दे बैठे। केकेआर का पहला विकेट 53 और दूसरा 60 की टीम के स्कोर पर गिरा। राणा का सीजन का 3रा अर्धशतक। सीएसके के गेंदबाजों ने बीच के ओवर्स में रन गति पर अंकुश लगाया, जिससे केकेआर की टीम ने 10 ओवर में 2 विकेट पर 70 रन बनाए। रिंकू सिंह ने जडेजा पर चौका मारा, लेकिन अगली गेंद पर भी बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में अंबाती रायडू को आसान कैच दे बैठे। राणा ने सेंटनर पर लगातार 2 चौके मारे और फिर कर्ण की गेंद पर 1 रन के साथ 44 गेंद में मौजूदा सत्र का 3रा अर्धशतक पूरा किया। राणा अगली गेंद पर भाग्यशाली रहे, जब उन्होंने शॉट हवा में लहरा दिया, लेकिन गेंद फील्डर्स के बीच में जा गिरी। 87 रन बनाकर 8वें राणा, गिरी ने भेजा पवेलियन। राणा ने जडेजा पर चौके के साथ 15वें ओवर में नाइट राइडर्स का स्कोर सोखे पार पहुंचाया।
उन्होंने 16वें ओवर में कांड पर लगातार 3 छक्के मारे और फिर अगले ओवर में चाहर पर भी 2 चौके जड़े। राणा हालांकि अगले ओवर में लुंगी की गेंद को हवा में लहराकर लॉन्ग ऑन पर करण को कैच दे बैठे। अंतिम 6 ओवर में केकेआर ने जोड़े 75 रन। कप्तान इयान मॉर्गन और दिनेश कार्तिक ने अंतिम ओवर्स में तेजी से रन बटोरे। कार्तिक ने लुंगी पर 2 चौके जबकि अगले ओवर में करण की गेंद को भी बाउंड्री के दर्शन करवाए। पारी के अंतिम ओवर में लुंगी ने मॉर्गन को पवेलियन भेजा। केकेआर की टीम ने अंतिम 6 ओवर्स में बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 75 रन जोड़े। चेन्नई के लिए एंगिडी ने 2 विकेट झटके जबकि सैंटनर, जडेजा और कर्ण शर्मा को 1-1 विकेट मिला। ऐसे ही आईपीएल 2020 से जुड़ी हर एक अपडेट खबर के लिए चैनल के साथ बने रहिए, क्योंकि आपको यहाँ पर मिलेगा आईपीएल 2020 के हर एक मैच में टीम का प्लेइंग 11, मैच की हाइलाइट्स और ऐसी और भी कई जानकारियाँ मिलेंगी। तो इसलिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल के साथ लगातार बने रहिए। धन्यवाद।